हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो? सो आई एम ऑडिबल टू यू? कम ऑन, टेल मी. ओके, बच्चों को आने देते, फिर स्टार्ट करते सेशन को. थोड़ा बच्चों को आने देते, फिर स्टार्ट करते बच्चों सेशन को. राइट, क्लियर है सभी को? हेलो मी, आज बच्चे बहुत कम ही है ना. हेलो प्रियंका, हेलो राशि, हेलो ताऊ जी, हेलो आशी, हेलो लक्ष्मी, हेलो ताऊ जी. तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करें बच्चों. आज तो बहुत सारे बच्चों को क्लास नहीं दिख रहा होगा, राइट? आज तो बहुत सारे बच्चों को क्लास ही नहीं दिख रहा होगा. हेलो सिद्धि, हेलो मेहर, हेलो ज्योत्सना, मैं अच्छी. लक्ष्मी, तुम अपना तबियत बताओ, कैसी हो? ओके, सो बच्चों आपको पता होना चाहिए. हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा, कमिंग फ्रॉम फ्रॉम गैंगलोर, मेनी गो मेनी एग्जाम लाइक एफएससी वेरी वेल, मोर देन 5 टीचिंग एक्सपीरियंस. आई हैव 3000 प्लस कैट स्टूडेंट. उसके अलावा अगर मेरे बारे में जानने की जरूरत है तो वहां मेरा रेफरल कोड, इट्स अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर, इट्स अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर. पूजा इज माय नेम एंड 11 इज माय बर्थ कोड, सो दिस वन इज माय रेफरल कोड बच्चों. हेलो दुर्वेश, आप सही हो रहा है धीरे धीरे. ओके हेलो अबुल, गुड इवनिंग. ओ ये रबर है मेरे, कितना नोटिस करते हो सिर वाले. सो ध्यान से देखना बच्चों, क्रैक एमएससीटी लॉ एग्जाम कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, ये होने वाला है 25 एंड 27 को. आप देख सकते हो बच्चों, अलग अलग से टेस्ट होंगे. होप सो आपको विजिबल होगा कौन से डेट पे कब कौन सी है. सो लेवल ऑफ बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों. फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन बैच फॉर क्लैट एंड एलेट 2024 एक्सपीरियंस लैंग्वेज इंग्लिश, मार्च 30 से स्टार्ट हो रहा है 2023. एंड दीज आर द बैच यूएसपी एंड दीज आर द एडुकेटर हु आर गोइंग टू गाइड यू इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो एमएससीटी क्रैश कोर्स है बच्चों, इंक्लूड 100 टीचिंग आवर्स, एग्जिस्ट कर सकते 5 मॉक टेस्ट लाइक वॉइस सॉल्यूशन बाय अवर टॉप एडुकेटर एंड दीज आर द एडुकेटर हु आर गोइंग टू गाइड यू. एंड एक्चुअल प्राइस देख सकते हो, करंट प्राइस भी देख सकते हो, और सेफ आप क्या कर सकते हो वो भी विजिबल होगा. सो दिस इज प्रेजेंट ऑन ओनली ऑन अनअकैडमी स्टोर. सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, लॉ स्टार्टअप बैच बच्चों, इंटेंसिव बैच फॉर एलसेट स्टार एमएससीटी टू लैंग्वेज इंग्लिश, एक्चुअल प्राइस 30,999 है, करंट प्राइस आप देख सकते हो 10,999 है, सेव कर सकते हो 3,000 ओनली ऑन अनअकैडमी स्टोर. हेलो एकता दीदी, कैसे हो? हेलो साइदत, हेलो हेलो बच्चो. सो सो ध्यान से देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं. क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्वेश्चन. सो क्या मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं? सो देखो, आज ना हम लोग स्टार्टिंग में पहले करेंगे फाउंडर और मतलब उसके डायनेस्टी और उसके फाउंडर, ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों? हेलो सचिन, हेलो सनी. कौन से डायनेस्टी के कौन से फाउंडर हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग डायनेस्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर है? ओके, शुभम सिंह पोल, चोला एम्पायर के, एंड द पोल इज दिस वन. हेलो शालवी, हेलो गितेश. देखो लंबा पोल गया है, ये लंबा पोल गया है बच्चों. सो इट्स ए, इट्स वेरी गुड शुभम, इट्स ताऊ जी, वेरी गुड अक्षत मेहर, प्रियंका, त्रिरंगा. कल त्रिरंगा आपको पता है 9:30 बजे ही सो गया था, और कल एकता दीदी भी, वेरी गुड अनुजोमी, वेरी गुड सूजन नीलम, वेरी गुड राज गितेश मेघा, वेरी गुड प्रतिष्ठा शिवा अजय, एंड द करेक्ट आंसर इज
इट्स विजय लाला चोला. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बदामी. मेरे आंखों में पेन हो रहा है आज भी. चश्मा लगा रही हो? चश्मा लगाया तुमने? कल संडे था ना, इसलिए सब छुट्टी पे होते हैं आपको छोड़ के. अच्छा, मुझे छोड़ के? शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अच्छा, मैं छुट्टी पे नहीं होती हूँ. ओके चलो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. सो वेरी गुड तावजी, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड अनुज. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बी, दैट इज. सो बी इज द करेक्ट आंसर. हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी. सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बच्चों? और अगर मैं पोल देती हूँ, सो दिस वन इज द पोल. हेलो सिमुक का, हेलो सिमुका. और बच्चे आए नहीं कि बच्चे चले गए? वाह क्या बात है, इतने कम बच्चों में 10 बच्चे का है, बहुत ही बढ़िया. और किसी को जाना है? और कोई जाना चाहता है? सो द करेक्ट आंसर इज इट्स ए. हेलो संबिता. सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. सो क्या मैं पोल दे दूं बच्चों? जल्दी से बताओ, क्या मैं पोल दे दूं? एंड द पोल इज दिस वन. वेरी गुड शुभम तावजी, यश, वेरी गुड एकता प्रतिष्ठा. ओ द करेक्ट आंसर इज बी. नाइस नाइस नाइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो डुगू, हेलो अभिषेक, हेलो अंकुर. सब मुझे लग रहा है मेरे चेहरे देखने आते हैं. हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी एम्पायर. हु वॉज द फाउंडर एंड द पोल इज दिस वन. वेरी गुड मनमीत, आशी मेघा, वेरी गुड अक्षत. बस वेरी गुड राज, वेरी गुड सचिन. और कोई बच्चा? हेलो एस डी जी, हेलो एस डी जी. सो हरिहर एंड बुक्का, ये कौन से डायनेस्टी के फाउंडर है बच्चों? हरिहर एंड बुक्का कौन से डायनेस्टी के फाउंडर है? क्या मैं पोल दे दूं? एंड द पोल इज दिस वन. मैं भी अच्छी हूँ बच्चों. वेरी गुड ताऊ जी, एकता, वेरी गुड मेहर प्रतिष्ठा, वेरी गुड साई दत्त, वेरी गुड शिवा संविता, अक्षत नीलम, ओमी सुजल, अजय यश, शुभम मनोज. एंड द करेक्ट आंसर इज इट सी. हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे बताओ चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? चोला डायनेस्टी के फाउंडर एनीवन? क्या मैं पोल दे दूं? हो गया है ना? ओके आपको कुछ बोला था मैंने, वो मैं भूल गई. अच्छा आठ पक्का. हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. वेरी गुड शुभम, वेरी गुड ताऊजी अक्षत, वेरी गुड यश प्रतिष्ठा, वेरी गुड अनुज नीलम, वेरी गुड एकता दुर्वे सूजल. और कोई बच्चों? बस इतने बच्चे आंसर करेंगे? और कोई? और कोई? और कोई?
सो हु स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर है? कुतुबुद्दीन ऐबक. सो नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बच्चों? नंद डायनेस्टी के फाउंडर एंड द पोल इज दिस वन. जल्दी से आंसर करिए. वेरी शुभम एकताशी. हेलो रोशन मैम, 15 सेकेंड पोल इज इनफ. ओके शुभम. सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बच्चों? क्या मैं पोल दे दूँ? आज मेरा मूड ऑफ है, बहुत सारे बच्चे चले गए. आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, पता नहीं क्यों. जाते हो तो बोल के क्यों नहीं जाते हो? वेरी गुड शुभम, वेरी गुड अक्षत. मैं तो आधी नींद से उठाऊं. ओके बस मैसेज नहीं कर वरना हूँ क्लास में. अच्छा किसी की कमी नहीं है आज? नहीं, बहुत शांति लग रही है क्लास. सब मुझे बोलते हो ना? सब मुझे बोलते हो राइट? मेहर क्लास में है? मेहर आ रही है ना क्लास? मेहर दी तो क्लास ज्वाइन. अच्छा शांति पसंद नहीं इस क्लास में. सही में मुझे भी लगता है. बुलाओ 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 अशांत बच्चे को. भैया तुम भी नहीं बात कर रहे हो, ताऊ जी भी नहीं बात कर रहे. ताऊ जी आ रहे हैं ना क्लास? ताऊ जी, ताऊ जी. सो हु वाज द फाउंडर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी? व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर एंड द पोल इज दिस वन. हेलो रोशन, उसकी कमी. अच्छा उसकी आता नहीं है कि हंसने शुरू कर देता है. वेरी गुड शुभम, वेरी गुड ताऊ जी, वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड यश, वेरी गुड राशि तिरंगा, वेरी गुड प्रियंका संगीता, वेरी गुड ज्योत्सना. वो सेलिब्रिटी है ना, सबसे लेट आ जाए, पता है ना. हेलो रोशन, हेलो पिया. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन. परमार डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? वेरी गुड त्रिरंगा, वेरी गुड दुर्वेश. सो उसके आते ही आप कमेंट देखा कीजिए. क्या के स्टाइल है बस, और कुछ नहीं. सही बोलिए एकता दीदी. हेलो राज. सो चंडेल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बच्चों? चंडेल डायनेस्टी के फाउंडर एनीवन? And the poll is this one. So very good, Ekta, Priyanka, Triranga, very good, Akshat, very good, Sujal. अरंक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कहाँ जा रहे हो बच्चों? क्लास में रह जाओ. हेलो जॉइन, कैसे हो वालो मानसी. सो बच्चों, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी? सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कौन है बच्चों बताओ? सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सर के नाम का टाइटल क्या है?
हेलो प्रियंका। सो वही शुभम वही ताऊ जी एक था और इसके साथ 10-12 भी चले गए। सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ कनवा डायनेस्टी। मैम आज आप गोल मटोल नहीं लग रहे। क्यों, मैं आज गोल मटोल नहीं लग रही हूँ? तो मैं गोल मटोल नहीं लग रही हूँ? अच्छा, लगनी चाहिए क्या? लगना चाहिए क्या गोल मटोल? ओके, और मैं भी जाने वाला हूँ। ओ क्या बात है, चलो ठीक है, सभी चले जाओ और कोई मत आना। सो वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड त्रिरंगा, वेरी गुड राशि, वेरी गुड जिनत्सु। सो द करेक्ट आंसर इट्स वासुदेव। कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो वासुदेव है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो जरीफा, बहुत दिनों बाद बाय द वे। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्या बादामी डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्या बादामी डायनेस्टी एंड द पोल। अगर मैं पोल देती हूँ तो दिस वन इज द पोल। हेलो केशव, तुम्हें लोग बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे थे, कोई मतलब नहीं होने तुमसे, इसलिए ज्यादा फुटेज खाने की जरूरत नहीं। सो वेरी गुड शुभम, वेरी गुड यश, वेरी गुड एकता, वेरी गुड आरुषि। ओके हेलो कौशिक, हेलो इमरान राशि। दिस इज नॉट फॉर क्लैट। क्लैट में स्टैटिक के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चों, कहाँ कहाँ जा रहे हो? हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। बच्चों, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अरे बहुत नए बच्चे दिख रहे हैं। नए बच्चे क्या दिख रहे हैं, मुझे तो बच्चे ही नहीं दिख रहे। सो वेरी गुड राशि, वेरी गुड सुजल, वेरी गुड पूनम, रोजी, इमरान। सो वेरी गुड अक्षत एकता, वेरी गुड रोजी, मनमीत, रंगा, वेरी गुड रोशन, यश, वेरी गुड अजय। द करेक्ट आंसर इज इट्स ए। हेलो केशव, सो जेनेट्स आई एम नॉट अंकल। हेलो छोटी, हेलो इमो। ओके, सो हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बच्चों? एंड द पोल इज दिस वन। सो वेरी गुड शुभम, वेरी गुड ताऊ जी, एक यश। सो द करेक्ट आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन का पोल ही नहीं है। हेलो हेलो मोहित, हेलो सुजीत। सो लोधी डायनेस्टी को कौन फाउंड किया है बच्चे? लोधी डायनेस्टी वाज फाउंड, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड द पोल इज दिस वन। आज केशव बहुत शांत क्यों लग रहा है? तुम आज कुछ कांड करके आए हो? वेरी गुड शुभम, वेरी गुड यश, वेरी गुड एकता अक्षत, वेरी गुड ज्योत्सना, वेरी गुड ताऊजी तिरंगा, वेरी गुड बच्चों। एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स सी, दैट इज बहलोल। ओके हेलो चिन्मय, सत श्री अकाल इमू। सो बच्चों, हु वाज द फाउंडर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बच्चों? क्या मैं पोल दे दूं? एंड द पोल इज दिस वन। रोज ही करता है क्या? बच्चे जा रहे आ रहे, पता नहीं कौन से बच्चे आ रहे जा रहे। बच्चों बस क्लास में 15 मिनट तो रह जाओ, 15 मिनट। हेलो अर्जुन,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 हो गए। बस तुम लोगों के एंड से वैष्णवी 90 हैं, मेरे एंड से नहीं, मेरे एंड से नहीं। सो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बच्चों? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सो वेरी गुड शुभम, वेरी गुड तावजी एकता, वेरी गुड अक्षत रोजी प्रतिष्ठा होमी मनमीत, वेरी गुड रिया शनल जरेशमी, वेरी गुड केशव त्रिडंगा, वेरी गुड सुजल। और कोई बच्चा? क्या बात है, बढ़िया। हेलो अनुप्रिया, हेलो आयत, हेलो सनी। सो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बच्चों? हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? मैंने पोल दिया ना बच्चों, मैंने पोल दिया ना? नहीं पता, नहीं पोल ही नहीं जा रहा। हेलो सुनिधि, हेलो कार्तिक, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड ताऊजी अक्षत। क्या बात है, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। रात के दरबार की, रात के आनंद की है? कुछ ऐसी बातें करो केशव जो हमारी बातें समझ, हमें समझ में, कुछ ऐसी बातें मत करो जो सिर्फ तुम्हें समझ में। सो थैंक यू सो मच। सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? एंड अगर मैं बोल देती हूँ, ये तो बहुत ही बच्चों वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, देखो इसमें गलतियां ना करना, ठीक है? एंड ये थे मैंने बोल। हेलो प्रणव, सो वेरी गुड शुभम ताऊ जी। सो द करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त वन, राइट? नो आई एम नॉट म्यूटेड। हेलो चिन्मय, हेलो एकता, कैसी हो? नई फ्रेंड बन गई तुम्हारी, अच्छा, जान के अच्छा लगा मुझे भाई। सो कलिंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अच्छा बहुत ज्यादा ही हो गया फाउंडर, अब इसके बाद फाउंडर नहीं करेंगे। नई दोस्ती मुबारक हो तुमको। सवेरे शुभम, वेगे ताऊजी अर्श। ओ भाई कहाँ जा रहे हो बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। सो द करेक्ट आंसर इज इट्स कपिलेंद्र। आप भी मैम आते हैं, एकता दोस्ती मुबारक हो, और एकता भाई भी मुबारक हो तुम्हें। साका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बच्चों? साका डायनेस्टी के, और बच्चों यहाँ पे एक सभी का भाई है जिसका नाम है केशव भाई। तो साका डायनेस्टी के फाउंडर है माउस। नो, सो द करेक्ट आंसर इज इट्स माउस। तरस नहीं है? हेलो हेलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? क्या मैं पोल दे दूं? एंड द पोल इज दिस वन।
So the correct answer is it's D, that is Kuzula Kadphises. मैम मेरा स्कोर क्या है इस वक्त? त्रिरंगा तुम्हारा स्कोर थर्ड है. वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस. हेलो हरीश. हेलो अमित. ओके मैम आप बहुत. ओ थैंक यू सो मच चिन्मय. मजाक नहीं तो तुझे. चिन्मय रोज आती है मेरे ऊपर बटर लगाती है और उसके बाद आराम से क्विज करती है. राइट. सो पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बच्चे? इट्स सिमुक, इट्स गोपाला, इट्स चंद्रगुप्त, इट्स वासुदेव कान्वा. विच वन इज द करेक्ट आंसर? वैसे आई जस्ट लव बटर. मजाक. अच्छा थैंक यू सो मच एकता दीदी. अब आप नहीं करती हैं तो बाकी लोग भी कर लेते हैं मजाक. वेरी गुड शुभम. वेरी गुड ताऊ जी. एंड द पोल इज दिस वन. हेलो गोपाला इज द करेक्ट आंसर. बटर नहीं मैम सचिन बहुत. हेलो मिशा. सो हु वाज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी बच्चों? सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? कौन कौन कौन? एंड दिस वन इज द पोल. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बी, दैट इज खिजर खान. सो खिजर खान इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे बताओ बच्चों हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंपीरियल गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? क्या किसी को भी पता है? क्या किसी को भी पता है बच्चों? जल्दी से बताइए एनीवन. और अगर मैं पोल देती हूँ हिंट दूँ? अच्छा हिंट चाहिए इसका. हिंट अगर मैं दूंगी तो क्या होगा? एक इमोजी नहीं आती? इमोजी सांप पाल के रखे हो. हेलो राजश्री. हेलो राजश्री कैसी हो? ओके मैम मेरी बात से इन्हें मजाक लगती है. क्यों लग रही है? क्योंकि इन लोगों को मैं कभी भी स्वीट नहीं लगती ना. ये लोग जलते हैं मुझसे. चिन्मय जलते हैं कि चिन्मय कैसे तारीफ कर सकती है. सो हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी डायनेस्टी? विच वन इज द करेक्ट आंसर? ओ वेरी गुड आशी. वेरी गुड राज. वेरी गुड जरी. ओ बस इतने बच्चों ने, बस बहुत कम बच्चों ने आंसर करा है. बहुत कम, बहुत बहुत कम. और कहाँ गए? और कहाँ गए? जल्दी से आंसर कर दो. जफर खान. जफर. और तो कोई कर दो, और कोई कर दो. हाँ जा रहे हो बच्चों? क्या करोगे जाके? आई थिंक जो भी आया था वो चला गया. चलो कोई बात नहीं. ओके भाई चलते हैं. रखे हुए जा रहे हैं, राख हुए जा रहे हैं. तो हम तो जल्दी जल्दी नहीं तो तुम राख होगी तो फिर कैसे अपना लैपटॉप या फोन टच कर पाओगी? हाउ इज इट पॉसिबल? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इट्स अ कॉमन थिंग है ना. एंड द पोल इज दिस वन. So this one is the poll. एकता दीदी की बातें सुनो तुम, ठीक है? एकता दीदी की बातें के साथ गिटार भी सुनो. अच्छा बजाती है वो. बजाती क्या, गाती भी अच्छा है. मतलब मैंने गिटार के बारे में बोला. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स ए, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो गए। मैं हंस लो, हंसना है तो मैं हंस रही हूँ, मैं हंस रही हूँ। क्या गाती है? गाना गाती है अच्छा, और बजाती भी है बहुत अच्छा गिटार। सो विच टिश्यू अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव इश्यू इन द एनिमल बॉडी एंड द पोलिस। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने चिन्मय को इतना बोला वो चली गई। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है। वैगु लक्ष्मी अभिषेक ये मुझे मैं राशि संबिता वैगु केशव वैगु जरीफा वैष्णवी शुभ मान द करंट आंसर इज सी दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज। आपकी सोच सोच को लाखों सलाम। लाखों मुझे तो लगा था अनकाउंटेबल, इंफिनिटी टाइम्स। ऐसे से करते रहना चाहिए पूरा। देखो तुम लोग 24 घंटे भी करोगे ना तो भी लाखों सलाम क्या है, 1000 सलाम भी नहीं होगी। आज से स्टार्ट कर दो। दादाजी हम भी बोलेंगे। सो विच लॉ वॉज इम्पोज ड्यूरिंग द कमांड ऑफ जनरल डायर? जनरल डायर कौन थे पहले ये बताओ। सलाम करके लाख बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, 6 महीने वाली लाखों सलाम बेवकूफ थोड़ी ना बन रही। अच्छा पहले बताओ जनरल डायर कौन थे? सिर्फ वाइसराय थे? वाह क्यों फेमस है जनरल डायर, जल्दी से बताओ। फिर बता भी तो भाई, गवर्नर ऑफ पंजाब, जलियांवाला बाग। क्या बात है एकता दीदी, मेरी भावनाओं को समझ सकती है। बस ये अलग बात है कि वो पता नहीं जल के राख कैसे हो रही है, वही मैं सोच नहीं पा रही हूँ। वैगुर ताऊजी वैगुर प्रतिष्ठा प्रियंका वैष्णवी वैगुर केशव जरीफा वैगुर मेहर वैगुर रोजी वैगुर मनमीत वैगुर लक्ष्मी वैगुर सूरज शुभम गितेश अक्षत्री त्रिरंगा वैगुर ज्योत्सना। ज्यादा करेक्ट आंसर इज मार्शल लॉ। ओ बच्चों दैट वाज अ जोक मैम। तो मैं तो इतने इतने बड़े बड़े तो हर रोज जोक मारती हूँ, तो तुम लोग इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? हरप्पा सिटी विच अमंग द फॉलोइंग इज हरप्पा सिटी? चलो हम भाई तो सुबह उठना ही है। ओ ऑल द बेस्ट ताऊजी फॉर योर एग्जाम। मुझे पता है कि तुम फोड़ के आओगे। देखो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान होता है, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में बस फितूर नहीं आना चाहिए। तुम्हें जो आता है आराम से करना, नर्वस मत होना क्योंकि क्लास में तुमने यही करा था। निगेटिव मार्किंग मत करना, ठीक है? ओके सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सो इट्स डोलावीरा राइट? धोलावीरा इज द हरप्पन सिटी। वेरी गुड बच्चों। कल CHSL का पेपर है उसका, शुभम CHSL का। ऑल द बेस्ट। ओके वैसे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ ताऊ जी, तुम बस ये सोचना कि तुम्हें बहुत आता है। बहुत सारे लोग बस मुंह दिखाई के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। सो White washed wall appear to be shiny after 3 to 4 days due to formation of calcium nitrate, calcium sulfate, carbonate or oxide. So which one is the correct answer? और अगर मैं पोल देती हूँ तो this one is the पोल। So the correct answer is it's calcium carbonate. बस अब उनके अच्छे दिन स्टार्ट हो गए केशव, अब उनके अच्छे दिन स्टार्ट हो गए मैम। अपन तो क्लास ही मजे दिया था, बाहर निकाल के बोल दिया सर को ही मेरा नहीं हो रहा। समझ गया, अब बस अच्छे दिन स्टार्ट हो गए केशव। उनका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, नहीं आया हनी अभी। सो द ओनर्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर दैट हैपेंड इन 1919 दैट वाज ऑन व्हिच जनरल ऑफ द ब्रिटिश आर्मी? वी जस्ट डिस्कस कर रहा था हम लोगों ने। एंड द पोल इज दिस वन। अभी तुम डिस्टर्ब कर सकते हो केशव।
So C is the correct answer, right? C is the correct answer. तिरंगा क्लैट तो फोड़ ही लेंगे, अभी टाइम है वैसे, अभी से आशीर्वाद देना स्टार्ट करूंगी। एसडीजी आई थी ये जब चली गई मैम, एसडीजी। सो फेमस संतूर प्लेयर कौन है? फेमस संतूर प्लेयर कौन है? अच्छा वो तुम्हारी छोटी बहन है ना, मुझे समझ में आ रहा है। सो वेरी गुड एकता, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड अनुज मेहर, वेरी गुड आशी, सो वेरी गुड ओमी हिमू संविता हनी, वेरी गुड त्रिरंगा प्रियंका एंड द करेक्ट आंसर इज बी। भारत रत्न क्या? भारत रत्न पंडित शिव कुमार शर्मा को भारत रत्न मिला था, कौन बताएगा येस और नॉट? जल्दी से बताओ। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनके बाल थोड़े से घुंघराले घुंघराले से थे, सफेद सफेद कलर के थे, ठीक है सभी को पता है राइट? सभी को पता है ना उनके बाल के बारे में। उन्हें सिर्फ पद्म विभूषण मिला था, मुझे जितना याद है पद्म विभूषण मिला था। मम्मी के सामने बैठी हुई है, सामने नहीं थी। ठीक है लक्ष्मी, तुम कंट्रोल कर सकती हो तो कंट्रोल कर लो। सो आई थिंक हाँ, मुझे भी जितना याद है कि उन्हें सिर्फ पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था राइट? पद्म विभूषण मिला होगा, पद्मश्री नहीं मिला उन्हें। So 15 finance minister has been constituted by the president of India for a period of how many years? 5, 4, 6 or 3? Which one is the correct answer? And the poll is this one. कहाँ जा रहे हैं ये बच्चे, समझ नहीं आ रहा मुझे। So very good शुभम, very good केशव, एकता, अक्षत। और कोई बच्चों, और कोई? जहां बोलती हूँ कहाँ जा रहे हैं तो और चले जाते हैं, छोड़ो। ओके ओके इस लक्ष्मी थोड़ा ध्यान रखो उनका। ओके सो बच्चों, गीतांजलि के ऑथर कौन है, मतलब कौन किन्होंने गीतांजलि लिखी है, बहुत ही फेमस। सवेरे शुभम, एकता, दरवेश। बस इतने ही बच्चे बस? सो विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज एमएसपी? विच वन इज द करेक्ट आंसर एंड द पोल इज दिस वन। सो वेरी गुड शुभम मेयर, वेरी गुड दुर्विश अक्षत। बस इतने ही बच्चों ने करा है। सो इलेक्टोरल रोल इज कॉमनली नोन एज इलेक्शन लिस्ट, सीरियल लिस्ट, वोटर्स लिस्ट और इलेक्शन काउंट? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? पता नहीं सारे बच्चे आए, सारे बच्चे गजब स्पीच चले गए, जान के दुख हुआ। ये कोई बात नहीं, इट्स वोटर्स लिस्ट। इलेक्टोरल रोल इज कॉमनली नोन एज वोटर्स लिस्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन व्हिच ईयर? सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको कल ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था बच्चों। सो द पोल इज दिस वन। सो वेरी गुड एकता, आशी, संबिता, केशव, आरोही। बस इतने ही बच्चे बस? एनीवन?
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महेंद्रगिरी इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द सतपुरा रेंज, हिमालय रेंज, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट? So the correct answer is it's Eastern Ghat. Eastern Ghat is the correct answer, right? So ध्यान रखियो, तेरी खबर लेनी है उड़ीसा में। हाँ क्लास की। हेलो तनु। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ एक्सप्लेन्स अबाउट द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन? विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्या मैं पोल दे दूँ? And the poll is this one. So where you Shubham Pratishthasi Jyotsna? Bas. Bas itne hi bache. हेलो नेहा, कैसी हो? सो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम इज रानी रामपाल एसोसिएटेड? रानी रामपाल किसे रिलेटेड है बच्चों? चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। सो वेरी गुड एकता, वेरी गुड राज, वेरी गुड दुर्विश, मनमीत, वेरी गुड तनु प्रतिष्ठाक्षर, वेरी गुड हनी, वेरी गुड अनुज रोजी, वेरी गुड तिरंगा लक्ष्मी। द करेक्ट आंसर इज डी, 27th. So, in which year Jal Jeevan Mission launched in India? The mission aims at providing potable water through the scheme of functional household tap connection. Which one is the correct answer? And the poll is this one, bachcho. So, very good Shubham, very good Akshat, Durvish, Sriranga. बस इतने ही बच्चे? और कोई? और कोई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी अरुंडाले ये क्लासिकल डांसर थी बच्चों, कौन सी? एनीवन? रुक्मिणी देवी, वेरी गुड रोजी, वेरी गुड प्रियंका राज, वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड हिमू सानू। सो वेरी गुड तिरंगा, द करेक्ट आंसर इज इट्स भरतनाट्यम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ एक ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली इज नोन एज डेमोग्राफिक काउंट, या उसे बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज, या इसे बोलते सेंसस, या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर? क्या बोलते हैं बच्चों? एंड द पोल इज दिस वन। सो वेरी गुड शुभम अक्षत, वेरी गुड गितेश प्रतिष्ठा, वेरी गुड एकता दुर्वेश रोजी हनी, सो वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड वैष्णवी, आरुही अनुजैन। द करेक्ट आंसर इज सेंसस। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षत और शुभम का स्कोर काफी अच्छा है। मटन चेरी पैलेस, मटन चेरी पैलेस कहाँ पे सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु? क्या लगता है बच्चों आपको? एंड द पोल इज दिस वन। आज तो मेहर बहुत सीरियस है। मेहर आज तुमने जिम नहीं किया क्या? आज इतना सीरियसनेस कैसे? हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? सो द करेक्ट आंसर इज इट सी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आज बारिश हो रही है जब, तो बारिश तो हर जगह हो रही है। साउथ का तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। हाँ क्योंकि हम लोग पढ़ते बहुत कम है ना साउथ, और चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो चाहे वो इंडियन हो। घर में जिम नहीं खोला मैंने,
तो मुझे लगा कि तुम एक्सरसाइज थोड़ा बहुत तो कर ही सकते थे। ओह मेहर, जस्ट अ कॉमन सेंस, क्या मेहर, एक्सरसाइज के लिए कोई जगह होता है क्या? सो हु इज द चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के चेयरमैन ऑन द पोल इज दिस वन। वाह, एकता है, जो पुणे घूम लिया तो उसे उसमें पूरी दुनिया दिख गई। वाह क्या बात है, भगवान करे कि एकता जैसी बुद्धि सभी को, क्वेश्चन बनाने वाले को ही, वो पूरा इंडिया से क्वेश्चन पूछ ले, वर्ल्ड से पूछ ही नहीं, मुझे लगेगा पूरा दुनिया पूछ लिया उन्होंने। सर इट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओ भाई, किसी ने तो एकता की बातों पे कमेंट भी नहीं करा और कॉम्प्लीमेंट भी नहीं। सर विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? नहीं केशव, गलत बोल दिया तुमने, एकता वैसी नहीं, नेवर नेवर नेवर। और ये तुम भी बहुत भले भांति जानते हो। सवेरे शुभम वेग रक्षताशी वेग रोजी। मैंने ऐसा क्या बोला? तो तुम्हें क्या लगा ट्विंस कैसी है? ये तो मेरा स्टेट है और ये उसका पार्ट टू है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट कमीशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ये उसका पार्ट टू है। अच्छा, वो सटअप क्यों बोल रही है? सटअप क्यों बोल रही है? क्या उसे पता है उसकी हरकतों के बारे में? सर द करेक्ट आंसर इज 2004। सो द करेक्ट आंसर इज 2004। ओके, ट्रेंड्स का नाम, मेरी बहन द्रुक्पा सेची। एक फेस्टिवल है जो सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, किस पर्सनालिटीज से एसोसिएटेड है? क्या मैं पोल दे दूं? एंड द पोल इज दिस वन। लेकिन तुम लोगों के साथ 47 मिनट्स मुझे पता नहीं चलता है। अब बोलेगा कि बोलेंगे इन लोग, हम लोग है ही इतने अच्छे, बोल ही लो, ये वाली बात की भी कमी ही रह गई होगी। सो इट्स लॉर्ड बुद्धा इज द करेक्ट आंसर। हाँ मुझे समझ में आ गया, एक था वो तो मैंने तुमसे मजाक करा, तुम्हारा कहने का ये मतलब था कि आज तुम इधर उधर ही घूमते रह गई हो, मतलब तुम्हें इतना मन नहीं था घूमने का, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा ही घूम लिया क्योंकि तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, है ना? अरे नहीं, ओ तब तो मैप में घूम लिया क्या? पूरी दुनिया मैप में घूम लिया क्या? आप कुछ ही बोल रहे हो, सही होगा, हम लोग अच्छे हैं। केजब चला गया, केजब चला गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क टू लक्ष्मी मेहर एकता कम ऑन, कैन आई आस्क? तुम ही लोग तीनों से सवाल है वैसे ही। लक्ष्मी कुछ करे, केशव देखो लक्ष्मी ने ऐसे किया, एकता मैं आपको पता, मैंने पूरी दुनिया घूम ली, पूछ लो आप क्या मैं बोल रही हूँ केशव से। मेहर, ओ जानी तुम मुझे बताओ, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? नहीं पता है, चलो मैं आज बताऊंगा। ये मतलब सब कुछ एक ही टॉपिक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट त्रिंबकेश्वर इन महाराष्ट्र? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व माय डाउट। मतलब क्या वो इतना बेला बैठा रहता है कि तुम लोग उससे अपने दुख दर्द बांटते हो? सो द करेक्ट आंसर इज इट्स गोदावरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मैम
उसको ना बोला कुछ। ओके मेहर, मैं उसको कुछ नहीं बोल रही हूँ, उसके बारे में बोल रही हूँ। सो आरबीआई ऑल्सो एक्टेड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपको भी पता है कि अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो उसे सेंट्रल बैंक का भी नाम दिया जाता है। फॉर डैश टिल अप्रैल 1947। एंड द पोल इज दिस वन, इसीलिए उसे सेंट्रल बैंक भी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन वो बर्मा के लिए केंद्रीय बैंक का काम किया था। ठीक है, इट्स म्यांमार। सो ओ भाई, केशव दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। एंशियंट पोर्ट्स ओपारा, ये लोकेटेड है कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु। अच्छा केशव मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। ठीक है, सो द पोल इज दिस वन। सो वेरी गुड शुभम, वेरी गुड केशव अक्षत, वेरी गुड आशी, वेरी गुड तिरंगा। एंशियंट पोर्ट सोपारा, ये लोकेटेड है बच्चों महाराष्ट्र में। नेम, अरे ओके। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज अराउंड। तुम्हें पता है मुझे ना बहुत प्रॉब्लम है, पूछो क्या। मैं बताती क्यों। कब तक हमें पढ़ना पड़ेगा सेंसस 2011? कब तक, और कब तक? पिछले मतलब हमेशा इसी के आधार पर हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सब वेरी गुड शुभम, वेरी गुड केशव, वेरी गुड अनुज, वेरी गुड वैष्णवी, हिमू, दुर्विश, लक्ष्मी, गीतेश। इट्स 17.7, द डिजिटल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वॉज अराउंड। एंड आई एम विजन, हु वॉज रिकमेंडेड फॉर द पद्मश्री अवार्ड? ओ नहीं, ये मत करो भाई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर द राइट ऑफ सिटीजन टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड? ओके, मैं फाइल करूँ कि तुम लोग करोगे? मैं फाइल करूँ कि तुम लोग करोगे? द करेक्ट आंसर इज इट्स आर्टिकल 39। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड सी राजगोपालचारी ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन द ईयर 1930? विच वन? मैं करूंगी। ये बहुत बढ़िया था, दोनों का, वैष्णवी और मेहर का। अच्छा आज ना मुझे बहुत हंसी आया। ठीक है बच्चों, आज क्या हुआ कि किसी ने भैरवी को भाई रवि पढ़ा है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म स्टैंड फॉर यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट? और मैंने मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने तो मतलब साइड में जाके मैं बहुत हंसी आई मुझे। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, दिमाग में आता कैसे? शॉर्ट फॉर्म स्टैंड फॉर यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट, दैट इज अमरुत। अब मुझे अमरुत का फुल फॉर्म कौन बताएगा? अमरुत का फुल फॉर्म कौन बताएगा? एनीवन? अमरुत फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। अच्छा सो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो आपको इसको देख के खुद ही आंसर कर देना चाहिए था। सो क्वासियोर कर डिजीज
सीवियर डिफिशियंसी के कारण होती है। किसके डिफिशियंसी के कारण? विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन। हाँ, अब नींद आ रही है। ओके एकता, भगवान करे हर रोज तुम्हें 12 बजे में 5 मिनट पहले हो तब नींद आए। ओके अब तुम सो जा सकती हो, बाय, गुड नाइट। और अगर मैं पोल देती हूँ तो दिस वन इज द पोल। एक दिन ना यहाँ पे हमारे घर के पास एक रजरप्पा करके जगह है, ठीक है? तो सर ने मुझसे पूछा कि आ, तुम चलोगे किंग्स पापा? तो मैंने बोला किंग्स पापा? तो फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे समझ में आया सर क्या बोल रहे थे। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पागल हो जाओगे सर, क्या हो जाओगे। सो हैवलॉक आइलैंड है, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। कहाँ पे लोकेटेड? मनवीर को इतने देर बाद हंसते हैं, मतलब वो इतने देर बाद समझा। अच्छा मैं सोच रही थी और क्या क्या था। याद नहीं आ रहा मुझे। सो द करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नहीं बन रहा मेरा। ओके सो और क्वेश्चंस करने हैं बच्चों? आज इतने ही रहने देते हैं। आज मैं आपको पोल दिखा देती हूँ बच्चों कि आज लीडर बोर्ड पे टॉप कर रहा है अक्षत, त्रिरंगा, शुभम, प्रियंका, संबिता, एकता, प्रतिष्ठा, सुजल, दुर्विश, केशव। और अगर इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन, किसी को भी लेना है बच्चों 3 ईयर 5 ईयर, तो प्लीज शेयर द कोड डाले से पूजा वर्मन। और अगर और भी कुछ चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, राइट? एंड दिस वन इज माय रेफरल कोड, सो बाय, टेक केयर। मेरा लैपी ऑफ हो गया, कॉल मिस हो गया, कोई बात नहीं मैम, अगली बार एक वन पर रख लेना। ओके डन, त्रिरंगा। ओके सो बाय, गुड नाइट। दुर्विश बहुत पढ़ता है मेहर, उसकी भी बहुत दुख भरी स्टोरी है। सो बाय।